बोलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो ग्रामीण है, ग्रामीण जो है बंगेरी ग्राम के रहने वाले हैं। आज ये रुड़की तहसील में जो एडमिनिस्ट्रेट के ऑफिस में पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि जो ग्राम बंगेरी में से होकर सेना क्षेत्र से होकर रास्ता जाता है वह काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, उसको खुलवाने की मांग इन्होंने प्रशासन से भी की है और कई बार कर चुके हैं। और आइए हम जानते हैं जो ग्राम के रहने वाले लोग हैं वह इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपके क्षेत्र में कई दिनों से ये जो समस्या उत्पन्न हो रखी है गेट बंद होने को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबके रास्ते खुल चुके हैं, हमारा रास्ता नहीं खुला, डोगरा लाइन का भी इधर उधर के सब खुल गए। हम इस रास्ते का बहुत परेशान है और हमारे लड़के बच्चे हम बहुत दिक्कत है दवा पानी लाने में। इसको लेकर कई बार प्रशासन से आपने बात भी करी है, पहले तो क्या रहा बात सर? थोड़ा तेज बोल। प्रशासन से यही बात हुई थी, बोले रास्ता खुलागा खुलता है, कुछ बोलते ही नहीं। प्रशासन तो उल्टी धमकी देता है तो हमें जीएलमा करवा देंगे। आपका क्या कहना है? आप भी तो क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपको आने जाने दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है स्कूल के लिए? सबको तो वही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? बच्चे को दिक्कत है, परेशानी, डॉक्टर को दर्शन जाना, मार्केट को दिक्कत, सबसे पहले नंबर तो बच्चा को ही दिक्कत है। बैंक जाने कौन कौन से गेट बने हैं? दिसंबर गेट बंद है, दिसंबर गेट नहीं खुल गया, बच्चे परेशान हैं, स्कूटी पर जाम है, ढल के लगे हैं, गिर भी पड़े, कई बार तो एक्सीडेंट होने से बच गया। एक बार तो गिर गए थे, चोट काफ़ी आई, और एक बार रिक्शा में जाने जाने के 150 रुपये ले गए, आने के 150-300 रुपये हुए गए। नहीं किसी गरीब पे है तो वो कहाँ से करेगा? MH जाना, बैंक जाना, बैंक 6-7 महीने हो लिए, खाता बंद पड़ा, न जा सकते, ना पैसे काट सकते, ना कुछ है, ऐसा ही। जो ग्राम प्रधान है आपके क्षेत्र का, वो क्या कह रहा है इस बारे में? उनका कहना है कि मैं जब तक कोरोना रहेगा नहीं खुलेगा, और हमारे बच्चे के लिए। ये कौन बोल रहा है? ग्राम प्रधान बोल रहा है? प्रधान जी वो सैनिक बोल रहे हैं कि जब तक कोरोना रहेगा, कि आपका प्रधान जी लिख के दिए हैं कि जब तक कोरोना रहेगा नहीं खुलेगा। तो सर एक गेट ये 19 मार्च को बंद हुआ था और ये सर अभी सितंबर चल रहा है, और हमारे बच्चे को कोचिंग जाना जो लालकुटी पढ़ते हैं, हमारा MH जाना, और सर हम बीमार भी हैं 7 महीने से, मैंने MH भी नहीं किया, मेरा आदमी पठानकोट में ड्यूटी करते हैं, सही के बैठे हैं हम लोग, सर इतना परेशानी हो रहा है आने जाने में। और आप सैनिक परिवार से आपको भी जाने नहीं देते? नहीं, किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं, किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। और बच्चे को तो सबसे बड़ा कोचिंग का है कि जो लालकुटी में कोचिंग करते हैं बच्चे, बहुत मुश्किल है, रात कोचिंग जाते हैं उनको शाम को 7 बजे। कितनी दिक्कत आ रही है सामने, कितना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है भैया, बच्चे को सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हॉस्पिटल का ज़्यादा टेंशन है। और हमारी लड़की भी है, वो भी सुरक्षित नहीं है, जो 9-10 बजे रात के आएंगे, इतने दूर रास्ते से आएंगे, वो खुद को डरते हैं कि हम इधर से सेफ नहीं है, कैसे आए कैसे। आप लोगों को भी आना जाना पड़ता है उस क्षेत्र को? आप लोगों को भी आना पड़ता है और बहुत तकलीफ हो रही है हमें, कैंप से हम सेफ होके आ जाते थे, बट अब जैसे सर्दियाँ भी आ रही हैं और झाड़ियाँ भी हैं, वहाँ से सेफ नहीं है। एक तो रास्ता इतना खराब है, ऊपर लाइट वगैरह भी नहीं है, ऊपर से इतना दूर पड़ता है, हमें बहुत परेशानी आ रही है। हमने बहुत कोशिशें कर ली मैम से भी, हमने कहा बीमारी का तो पता नहीं कब ख़त्म होगी, एटलीस्ट हमें बता तो दे कब ख़त्म होगी, मतलब कब खुलेगा गेट, हमें बहुत परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही, प्लीज़ खुलवा दीजिए। जावेद जी भी हैं क्षेत्र के ऐसा है कि हमारा जो कंपनी है, कंपनी का जो रास्ता है, कोरोना की वजह से लगभग सारा ही हिंदुस्तान के अंदर जो सेव किए गए आर्मी वालों ने, हमारा भी सेव किया, हम इससे लिए एग्री थे, कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं थी, पर कोरोना की वजह से अब खोल दी गई है, इसमें खोल दिए गए हैं, जैसे हमारे पास दुर्गा कॉलोनी का रास्ता खोल दिया है कोरोना की वजह से, जैसा हमारे पास टोडे का रास्ता खोल दिया गया है, हम लोगों का रास्ता, हमने मैडम को ये ज्ञापन दिया था, मैडम ने भी हमें आश्वासन दिया कि गेट खुल जाएगा, पर उस पर भी कोई अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, खुला नहीं है। हम लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियां हो रही है, हम लोग जितने भी वहां ज़्यादा हमने मान समझा है कोरोना की वजह से, सब लोगों ने उसका ध्यान दिया है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं जी, उसको लेकर वो क्या कर रहे हैं, प्रशासन से वार्तालाप नहीं कर रहे? वो उनका तो कोई उन्होंने ना इसका मतलब किया ही नहीं, वो बोलते हैं कि इन लोगों ने हमें तो वोट दी ही नहीं,
उधर कोई ध्यान ही नहीं, इनको किसी तरह कोई वही नहीं करते कि भाई इधर ध्यान दे। और जितनी हमारी हैं जो बच्चियाँ आई हुई हैं, माँ बहनें आई हुई हैं, इधर से अगर कुंजर पुछे निकल के जाते हैं तो वहाँ ना तो लाइट है ना कुछ है, ये दो चार बच्चे आए, जितनी बच्चे वहाँ पर अपना घूमिया करते हैं तो महफूज नहीं है। अरे इतनी लंबी कहाँ है, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो जनता के साथ? हाँ कहाँ पे आते हैं, हमने उनको भी लेटर दिया, हम उनसे मिले थे, उन्होंने भी अध्यक्ष साहब को मोदी जी को कहा होगा क्या कि यहाँ पे मिलते हैं। पर आदमी जब भी पहले कोरोना चल रहा है, कोरोना तो देखो अभी जो हमारा पुल चुराए वाला है, ये भी आदमी के दोनों साइड है, कोरोना तो इसमें इसे भी बंद करना चाहिए, और हमारा जो रास्ते हैं और भी खोल दिए हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो भी है ना सर। ग्राम भगेड़ी के जो क्षेत्रवासी हैं, उनका कहना है कि रास्ता ना खुले जाने से लेकर उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं रात के समय और अंधेरे में उन्हें आने जाने का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैडम लगातार ग्राम भगेड़ी के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है और उनकी मांग है गेट खुलवाने के लिए, आज भी वह आपके पास ज्ञापन देने आए थे, तो क्या मैडम ज्ञापन के लेकर उन्होंने कहा? आर्मी ने आपत्ति जताई थी एवं डिफेंस लाइन में, और साथ ही साथ दूसरा है मामला दिसंबर गेट का, तो दिसंबर गेट में ही वो खुलवाने की मांग को लेकर के अभी ज्ञापन कुछ ग्रामवासियों द्वारा दिया गया है। इस संबंध में आर्मी के आला अधिकारियों से बात चल रही है और प्रयास किया जाएगा कि इसका एक परमानेंट हल निकाल लिया जाए। मैडम कब तक हो जाएगा ये? लोग कोरोना काल तक थोड़ा होता ही जा रहा है, अनलॉक होता जा रहा है, तो उसको लेकर भी कह रहे थे समय समय पर आर्मी के अधिकारी से संबंध स्थापित कर रिलैक्सेशन लिए गए हैं, और कोरोना में जो रेजिडेंशियल प्रेमिसेस थे आर्मी क्वार्टर्स के और आर्मी के खुद के लैंड पर बने हुए गेट्स थे, उनके लिए भी लगातार वार्ता करके समय अवधि बढ़ाई गई है, और प्रयास ये किया जाएगा कि जल्द से जल्द पूरी तरह से